शादी में निभाई जाने वाली सबसे अजीबोगरीब परंपराएं। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी रस्म के बारे में जानते हैं जहां पर सुहाग रात के वक्त दूल्हा दुल्हन के अलावा दुल्हन की माँ का भी साथ होना जरूरी है? या फिर क्या आप किसी ऐसी शादी के बारे में जानते हैं जिसमें शादी के बाद 3 दिनों तक दूल्हा दुल्हन को बिना टॉयलेट वाले रूम में बंद कर दिया जाता है? अगर नहीं, तब तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करके आए हैं, क्योंकि हमारे भारत में तो भाई खाली जूता चुराई होती है, पर दुनिया भर की शादियों में एक से बढ़कर एक रस्में निभाई जाती हैं जिनके बारे में सुनकर ही आपके पसीने छूट जाएंगे। पर हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। बीटिंग द ग्रूम। दोस्तों, शादियों में दूल्हे राजा की खातिरदारी में ये तो कभी कमी नहीं होनी चाहिए, ये तो आपने सुना ही होगा ना। लेकिन क्या आपने कभी उनकी सुताई होते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो जरा साउथ कोरिया में होने वाली इस अजीब और गरीब रस्म को देख लीजिए, जहां पर शादी से पहले दूल्हे राजा के पैरों को बांध कर दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार मिलकर जमकर पिटाई करते हैं। और सिर्फ मारते नहीं है बल्कि जेलर की तरह आने वाली शादीशुदा जिंदगी में उससे जुड़े हुए कई सारे सवाल भी पूछते हैं। असल में एक तरह का टेस्ट है जिसमें ये देखा जाता है कि दूल्हा अपने आने वाली जिंदगी में कितनी मजबूती से इस रिश्ते को निभा पाएगा, यानी कि इस अजीबोगरीब रस्म के चक्कर में दूल्हे राजा के पैरों के बैंड बच जाती है। हम तो भाई ये सोचकर हैरान है कि बेचारा इतनी पिटाई होने के बाद खड़ा कैसे होता होगा। वैसे हम पैरों की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोर्नियोस बाथरूम बैन। अब मलेशिया और इंडोनेशिया के ताइडोंग लोगों द्वारा मनाई जाने वाली इस रस्म के बारे में सुनकर शायद आप अपने मन से शादी का ख्याल ही निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर शादी तो ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को 3 दिनों के लिए एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर ना तो बाथरूम होता है और ना ही टॉयलेट, और 3 दिन के बाद उन्हें कमरे से बाहर निकाला जाता है। जिसका मतलब ये है कि बेचारे दूल्हा दुल्हन शादी के बाद एक दूसरे के साथ जो करना चाहते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने वो भी जो कि शायद कोई भी करने के बारे में 100 बार सोचे। जी हाँ, इन्हें टॉयलेट और बाथरूम वगैरह अपने साथी के सामने ही कमरे में साइड में करनी होती है, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं होता। अगर ये रस्म अच्छी तरह से निभा लेते हैं तो माना जाता है कि भाई इनकी आने वाली शादीशुदा जिंदगी कभी नहीं टूटेगी। यानी कि 3 दिनों तक इस तरह का रहना, हो मतलब डाइवोर्स होने की फुल गारंटी है। स्पिटिंग रिचुअल। दोस्तों, ऐसे अगर आप किसी के ऊपर थूकेंगे ना तो वो आपको गालियां देना शुरू कर देगा, और आपकी किस्मत खराब रही तो आपकी पिटाई भी हो सकती है। लेकिन केन्या में तो बाप खुद अपनी बेटी के ऊपर थूकता है। जी हाँ, यहाँ ऐसा माना जाता है जब शादी के बाद बेटी पिता का घर छोड़कर जाती है तो पिता उसके सिर पर थूकते हैं ताकि बेटी की जिंदगी में खूब सारी खुशियां आए। यहाँ तक कि केन्या के मसाई कबीले के लोग तो अपनी लड़की की शादी के वक्त उसका सिर भी गंजा कर देते हैं ताकि वो अपने आने वाले जीवन में खुशहाल जिंदगी जिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब भला बालों का खुशियों से क्या लेना देना, ये तो यही लोग जाने ना। आप बस हमें कमेंट करके इतना बताएं कि आपको किस तरह की शादी सबसे ज्यादा पसंद है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर कोई और। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। एल्डर्स वॉचिंग द वेडिंग नाइट। अफ्रीका में मनाई जाने वाली इस शादी की रस्म के बारे में सुनकर भाई किसी के भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात में दूल्हा दुल्हन को फुल ऑन प्राइवेसी मिलती है ताकि वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। लेकिन ना बाबा ना, केन्या में ऐसा नहीं होता। वहां तो दूल्हा दुल्हन के साथ पहली रात में दुल्हन की माँ या फिर घर की कोई दूसरी औरत जाती है जिसे कि शादी का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो दूल्हा दुल्हन की पहली रात को ये बता सके कि उन्हें सुहाग रात कैसे मनानी है। सच कह रहा हूँ भाई, हमें भी इस रस्म के बारे में सुनकर उतनी हंसी आई जितनी इस वक्त आपको आ रही होगी, क्योंकि आज के जमाने में भला ये सारी चीजें किसे बताने की जरूरत है। आजकल के बच्चे तो इन सब चीजों के बारे में पहले से पता रखते हैं, लेकिन अफ्रीका में इस रस्म को आज भी मनाया जाता है। हम तो भाई बेचारे दूल्हा दुल्हन का सोच रहे हैं जिन्हें प्राइवेट में करने वाली चीज सबके सामने करनी पड़ती है। स्मैशिंग डिशेज। दोस्तों, वैसे तो जर्मनी के लोग काफी साफ सुथरे होते हैं, लेकिन जब मौका शादी का होता है ना तो इनके अंदर की जो गंध निकलती है ना भाई, ओहो क्या ही बताएं। जहां शादी से एक दिन पहले यहां एक अजीब और गरीब किस्म की रस्म निभाई जाती है जिसमें दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले और दोस्त मिलकर बर्तन तोड़ते हैं और फिर होने वाले दूल्हा दुल्हन को मिलकर इस गंदगी की सफाई करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे वो शादी के बाद अपनी हर प्रॉब्लम को साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। मैरिंग अ ट्री।
जब हम दुनिया भर में मनाई जाने वाली अतरंगी शादी की रस्मों के बारे में आपको बता रहे हैं, तो भला हम हमारे भारत को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर तो जूते चुराई से लेकर दूल्हे की नाक पकड़कर उसके स्वागत करने तक एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब रस्में होती हैं। लेकिन जो सबसे अतरंगी रस्म होती ना, वो है पेड़ से शादी करना। जब कोई मांगलिक होता है तो ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद कुछ ही समय में उसके साथी की मौत हो जाती है। ऐसे में मंगल दोष को हटाने के लिए पेड़ से शादी करा दी जाती है, ताकि अगर कुछ होना हो तो पेड़ का हो। और जब पेड़ से शादी हो जाती है, तब जाकर लड़की और लड़के की शादी होती है, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। वैसे दोस्तों, क्या आपको वाकई में लगता है कि पेड़ से शादी करने के बाद मंगल दोष कट जाता है? इसके बारे में हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। टू किड्स। दोस्तों, अफ्रीका के सूडान में एक अलग ही तरह का रिवाज चलता है, जहाँ शादी से पहले लड़की से पूछा जाता है कि भाई तुम कितने बच्चे पैदा करोगी। अगर वो दो या दो से ज्यादा बोलती है तो उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद अगर वो केवल एक बच्चा पैदा करती है और दो बच्चे पैदा नहीं कर पाती, तो पति उसे तलाक देकर दूसरी पत्नी करने का पूरा हक रखता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लड़की से शादी करने से पहले ही उसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई वो लड़के के घर वालों को कितने बच्चे पैदा करके देगी। मतलब वाह, यहाँ तो लड़की को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ लिया जाता है। हद है यार, ज्यादा बच्चे करोगी तभी शादी होगी, वरना नहीं। ये भी कोई बात हुई भला। गिफ्ट ऑफ वुडन स्पून। दोस्तों, शादी पर आप लोगों ने दूल्हे को दुल्हन के लिए कई सारे अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लाते हुए देखा होगा। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में शादी का एक अलग ही तरह का रिवाज है, जहां दूल्हा अपनी वाइफ के लिए कुछ लाए या ना लाए, लेकिन उसे लकड़ी का चम्मच जरूर लाना होता है। अब आप बोलेंगे कि भाई इस चम्मच में ऐसा क्या है? तो दोस्तों, असल में ये चम्मच इस बात का प्रतीक है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को पूरी जिंदगी खुश रखेगा और उसे कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। क्राइंग रिचुअल। दोस्तों, वैसे तो चाइना में कई सारी अतरंगी चीजें होती हैं। अतरंगी चीजों में से एक है दुल्हन का रोना। जी हाँ, हमारे भारत में तो दुल्हन माँ बाप से दूर जाने के गम में रोती है, लेकिन चाइना में अगर दुल्हन को रोना आ जाए तो उसे रोना ही पड़ता है, क्योंकि वहां का रिवाज है। और सिर्फ दुल्हन ही नहीं, बल्कि शादी के एक हफ्ता पहले से ही दुल्हन के परिवार वालों को भी दिन में एक घंटा रोना पड़ता है, ताकि लड़की को आगे आने वाली जिंदगी में कभी रोना ना पड़े और उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।